बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस्तीफा को मांग को लेकर के विपक्ष के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया। हंगामा इतना तेज हुआ कि वहां पे कुर्सी टेबल और चलना शुरू हो गया। बताते चले आपको कि विपक्ष के द्वारा काफ़ी बिहार विधानसभा में हंगामा किया गया। आप यह तस्वीर हमारे पीछे देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जिसमें बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी बीच बिहार विधानसभा के सभापति बैठे हुए थे अपने आसन पर, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हुए विपक्ष के द्वारा किस तरीके से हमला किया गया और नीतीश कुमार की इस्तीफा की मांग की गई। वहीं एक अन्य सदस्य के द्वारा कुछ सरकारी टीचरों के मुद्दे को भी उठाया गया और शिक्षा मंत्री पर वार किया गया। यह साफ तस्वीर जाहिर करती है कि बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और किस तरीके का बिहार विधानसभा चल रहा है यह आप देख करके स्पष्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बिहार में कैसा राज चल रहा है और क्या कुछ अभी चल रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बिहार विधानसभा की ओर और देखिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा में कुर्सियां चली और जमकर के नारे लगे, उनको इस्तीफा की मांग की गई है। तमाम सारी बातें जो है वो बिहार विधानसभा से निकल करके आई। बताते चले कि बिहार विधानसभा के नवकालीन सत्र की शुभारंभ हो गई है, जिसके बाद जो है वो विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा सरकार पर हमला किया जा रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं बिहार विधानसभा की ओर और देखिए बिहार विधानसभा में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। माननीय सभी सदस्यों का ये आवर होता है, इसलिए इसलिए जो भी कहना है वो बाद में जब अवसर आएंगे तो, अभी प्रश्नकाल होंगे। अख्तारुल इमाम माननीय सदस्य, सूचना बाद में दीजिएगा। सत्यदेव राम जी, पूरा बिहार, पूरा बिहार से शिक्षा कर रहा है। ये प्रश्न बाग में अपनी मांग को लेकर के सरकार नोटिस ले और आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सूचना दिया है, वो बातें होगी, उसके समय आएंगे तो हम विचार करेंगे। अभी आप स्थान ग्रहण कीजिए। अख्तारुल इमाम माननीय सदस्य, पूछता हूँ सर, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, प्रश्न का उत्तर आपने सूचना दिया है, सूचना नेता विरोधी दल का भी है, समय आएगा सर, हम उस पर विचार करेंगे। एक स्वीकारात्मक, खंड दो स्वीकारात्मक, महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को और साहित्य प्रश्नकाल को बाधित न किया जाए। माननीय सदस्यों का प्रश्न 15-18 से अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव तमाम सदन के माननीय सदस्यों का, ये प्रश्नकाल है, इसे बाधित न किया जाए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को विभाग में ऑनलाइन आवेदन भेजने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। सत्र 15-18 के उपरांत अन्य सत्रों हेतु संबद्ध डिग्री महाविद्यालय से लगातार प्रस्ताव प्राप्त कर न्यायानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप अपना ग्रहण करें, आपने तो सूचना दिया है, मैंने कैसे चलता है, यही यही तरीका है, यही तरीका है कि प्रश्नकाल आप नहीं चलने दीजिएगा, आप प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा। आपने सूचना दिया है कि नहीं, आपने कार्य स्थगन दिया है कि नहीं दिया है। का समर्थन किया है और स्वीकार किया है, सब पोस्टर ले लीजिए, और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि पिछले विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है, सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी। आप प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ सर कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गई, स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गई है। महोदय, तो आज तक जो अनुदान की राशि नहीं दी गई 6 सालों से,
वो शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा, बिहार की शैक्षणिक स्थिति कैसे रहेगी? आप चोरी की समीक्षा की गई, आप जगह लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। उत्तर में स्पष्ट है कि इस आप शांति बनाए रखिए, अनुदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महोदय ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ये नई परिपाटी शुरू की गई है महोदय, ये बात सही है कि जो अरे भाई जनरल को जो आप बोलिए बोलिए, ये बात सही है महोदय कि जो लंबित अनुदान है आप जगह इनको उसके लिए भी विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य सरकार इस पर कार्रवाई करेगी सर, 6 साल से लोगों को अनुदान नहीं मिलेगी, करेगी ये बता के कब तक करेगी सरकार, कब तक करेगी समय बताया जाए, कब तक करेगी सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी, समय बताया कब तक करेगी? भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं सर, शिक्षक भूखे मर रहे हैं, कॉलेज की हालत। आप ऐसा हरकत नहीं करे, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और बिहार में मानव संसाधन का भी। आपके प्रश्न का जवाब हुआ, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य ऐसा आचरण अशोभनीय है, प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।